हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। इन्फोसिस ने अपना बायबैक अनाउंस किया है, तो इस बायबैक में क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, और अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने परसेंटेज हमारे शेयर बायबैक में चले जाएंगे, मतलब कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहेगा, तो ये सारा कैलकुलेट करके हम देखेंगे। अगर इसके अंदर आप सेफ स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो सेफ स्ट्रेटेजी से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है उसका भी एक हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम बायबैक की डिटेल जान लेते हैं। तो इस बायबैक की जो साइज़ है वो 9300 करोड़ का रहने वाला है, और बायबैक की जो प्राइस है वो मैक्सिमम 1850 भी जाएगी, और यहाँ पे जो टोटल शेयर है जो बायबैक में चले जाएंगे वो लगभग 5.02 करोड़ है, मतलब के टोटल जितने शेयर है उसके 1.19% शेयर यहाँ पे बायबैक में जाएंगे। तो यहाँ पे TCS के पास टोटल 470 करोड़ के आसपास शेयर है, इसमें से ओनली 1% शेयर बायबैक में जाएंगे। अब यहाँ पे एक मिनिमम साइज़ भी डिसाइड की है कि यहाँ पे कंपनी मिनिमम इतने साइज़ का बायबैक तो करेगी ही करेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ डिपेंड करती है अप्रूवल पे, शेयर होल्डर की एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बायबैक को फाइनल अप्रूवल मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डिंग बी गेंड में है, तो यहाँ पे 99% चांसेस है कि ये बायबैक अप्रूव हो जाएगा। अब जो यहाँ पे रिटेल कोटा रहने वाला है लगभग 15% के आसपास है, मतलब ये जो टोटल 5 करोड़ शेयर है उसमें से 15% शेयर रिटेल के लिए कोटा रखा है, मतलब के 75 लाख शेयर रिटेल के पास से बायबैक होगा। तो ये नंबर आप ध्यान में रखिए, इसका हमें आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो लगभग 1480-90 के आसपास चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस लगभग 4-5% ऊपर चली गई है। अगर हम बात करें कि जब बायबैक अनाउंस हुआ तब से लेके ये अगर मैक्सिमम प्राइस में मिलता है तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 30% का प्रीमियम है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जितने भी शेयर हो उसमें से कुछ परसेंट शेयर ही बायबैक में जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल आपको जो प्रॉफिट के परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ सकते हैं। और यहाँ पे प्रमोटर कोई भी पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, प्रमोटर के पास यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 13% के आसपास है, तो यहाँ पे 13% शेयर होल्डर निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं उसमें ओनली 87% पार्टिसिपेंट ही बचेंगे, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 13% शेयर है, तो यहाँ पे प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक से, म्यूचुअल फंड है, उनके पास 15% शेयर से, और अदर FII, NRI, ADR ये सबको मिला के 45% शेयर है, और यहाँ पे जो रिटेल पब्लिक के पास शेयर है वो 25.92% शेयर है। अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे तो बी गेंड में बहुत ही ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, और जो एक्चुअल में रिटेल पब्लिक है या फिर स्मॉल HNI है उनके पास यहाँ लगभग 12% के आसपास ही शेयर होल्डिंग है, बाकी सारा बी गेंड में है, मतलब लगभग 13-14% शेयर होल्डिंग बी गेंड में है। तो ये सारा डेटा जो है वो मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से ही निकाला हुआ है, लेकिन एक्चुअल शेयर होल्डिंग मैंने एक दूसरी वेबसाइट से निकाला, तो वहाँ पे जो रिटेल पब्लिक के पास है 36% है, उसमें से मैंने जैसे आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग है वो बिग हैंड में है, और बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो रिटेल पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे 7.26% शेयर होल्डर ऐसे है कि जिसका होल्डिंग 2 लाख से कम है, मतलब कि उनके पास लगभग आप मान लीजिए कि 130 शेयर से नीचे शेयर हो गए, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अगर 130 आप 1420 या फिर 1450 करते या फिर 1500 करते हैं तो ये 2 लाख से नीचे आएगा, और 2 लाख से ऊपर जिसके पास शेयर है वैसे टोटल 4.22 शेयर होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो है 30.5 करोड़, ठीक है। अभी जो टोटल रिटेल पब्लिक को कोटा दिया गया है वो 15% है, मतलब कि ओनली 75 लाख शेयर बायबैक हो गए रिटेल के पास से। अब टोटल रिटेल के पास यहाँ पे 30.5 करोड़ शेयर है, तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे रिटेल पब्लिक इस बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकल के आएगा ओनली 2.5% निकल के आएगा, मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसमें से 2.5 शेयर आपके बायबैक में जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ रिटेल पब्लिक को पता ना हो या पार्टिसिपेट ना करे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शेयर लेके छोड़ देते फिर उसको कुछ पता नहीं रहता, तो इस टाइप के पब्लिक को भी हम माइनस कर देते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको 5% शेयर बायबैक में जाएंगे, ठीक है। तो अगर 5% शेयर आपके बायबैक में जाते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर है,
उसमें से आपके 5% शेयर बायबैक में जाते हैं, तो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है 30% मिल रहा है, तो 30% का 5% निकालेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन ओनली 1.5% मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायबैक के लिए अगर आप इन्फोसिस बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है। अगर हो सकता है कि यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1480 के आसपास, हो सकता है कि बायबैक के टाइम पे ये प्राइस नीचे भी चली जाए 1400 के आसपास। तो एक बार हम लाइव मार्केट में कंपनी का प्राइस देख लेते तो यहाँ पे कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गई है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वहाँ से ये लगभग अभी 23% नीचे चल रही है, ठीक है। और इसका जो टोट लो बना था अभी रिसेंट वो 30% के आसपास बना था, ठीक है। अभी आज के दिन हम देखें आफ्टर बायबैक अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ से लेके क्लोजिंग प्राइस से लगभग 4-5% बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी इसका जो फाइनल बायबैक है वो अनाउंस नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन आया है, इसको फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। तो इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर 1 महीने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ये वापस से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना भी चाहते हैं तो इस रेंज में आप परचेस कर सकते हैं, जो है 1440 से लेके 1400 का प्राइस। तो ये रेंज में परचेस करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 1 महीने के बाद ये शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए। और एक दूसरा चीज़ कि यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिविडेंड 16.5 रुपीज़ का है, तो इसका रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर है और आपको 10 नवंबर को इसका पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आफ्टर डिविडेंड डेट ये प्राइस वापस से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है ओनली ओनली 1-2% का मिल रहा है, तो 2% का तो आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में किसी भी शेयर के अंदर मूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे ओनली ओनली अगर आप बायबैक के लिए परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर कट मेरा ना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर ध्यान में रखने चाहिए कि यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाय भी करते हैं तो हो सकता है कि 1 साल के बाद भी यहाँ से ये कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई अचीव कर ले, तो यहाँ से ये जो गेन है वो 30% का है, ठीक है। अगर इसमें 2 ईयर लगते हैं तो आपको पर ईयर 15% का रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप श्योर शॉट प्रॉफिट यहाँ से ही कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक और स्ट्रेटेजी है कि मान लीजिए यहाँ पे ये सारे मैंने जो डेटा लिए लाइव मार्केट से डेटा लिए, तो मान लीजिए कभी ये जो करंट प्राइस है वो 1490 की चल रही है, इसका फ्यूचर का प्राइस है वो 1488 का चल रहा है, ठीक है। तो इसमें एक माइनर डिफरेंस है, जनरली जो फ्यूचर प्राइस है वो ऊपर रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 16.5 का डिविडेंड है तो ये इसमें एडजस्ट हो गया और दोनों का प्राइस हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं बायबैक के लिए, तो यहाँ पे ये कंपनी का जो लॉट का साइज है वो 300 का है, तो आपको यहाँ पे कैश मार्केट में इन्फोसिस के 300 शेयर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर 300 शेयर आप परचेस करते हैं तो आप रिटेल कोटा में नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है कि 4 अलग अलग अकाउंट में अलग अलग शेयर लेने हैं, तो 75 × 4 इस तरह से आपको टोटल 300 शेयर परचेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग पान कार्ड वाले अकाउंट में आपको शेयर लेने हैं, तो यहाँ पे 75 शेयर आप परचेस करते हैं तो आप यहाँ पे less than 2 lakh वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जैसे ही आप 300 क्वांटिटी बाई करते हैं तुरंत ही आपको फ्यूचर का एक लॉट सेल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपका एडजस्ट हो गया। अभी प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको फायदा होगा और यहाँ पे नुकसान होगा, अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे नुकसान होगा और यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हेजिंग होके ही चलेगा। अभी नेक्स्ट आपकी रिकॉर्ड डेट आ रही है 27 अक्टूबर को, तो तब आपको 16.5 का डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डिविडेंड मिलने के साथ ये वाली जो शेयर प्राइस है फ्यूचर की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी डिविडेंड इफेक्ट की वजह से ये दोनों प्राइस सेम चल रही है, अदरवाइज फ्यूचर की प्राइस थोड़ी सी ऊपर ही चलती है। तो यहाँ पे मैं डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करता हूँ, यहाँ से आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड से जो भी प्रॉफिट मिला सामने आपका फ्यूचर की प्राइस वो बढ़ जाएगी, तो वो आपका सामने नुकसान ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड होगी कि नवंबर महीने में 30 नवंबर डिसाइड होगी, और इसका जो बायबैक का प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है दिसंबर तक, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने दिसंबर इसलिए एज्यूम किया है कि यहाँ पे हमने दिसंबर का फ्यूचर बाय किया हुआ है,
सॉरी सेल किया हुआ है, तो दिसंबर महीने में सारा कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये फ्यूचर रोल ओवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिसंबर की एक्सपायरी से पहले आपको क्या करना है कि ये फ्यूचर को बाय करना है, मतलब कि एग्जिट करना है, और नेक्स्ट जनवरी मंथ का फ्यूचर आपको फिर से सेल करना है, ठीक है, ताकि आपका हेजिंग जो है एक दूसरे के साथ वो बना रहे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये बाय बैक में पार्टिसिपेट कर लेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 5% बाय बैक में शेयर आपके जाते हैं तो टोटल आपके 15 शेयर यहाँ पे जाएंगे, तो पर शेयर अगर आपको 400 रुपीज़ भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट प्राइस चल रहा है 1500 और यहाँ पे जो बाय बैक का प्राइस डिसाइड है वो 1850 डिसाइडेड हुआ है, तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ ही मिलेंगे, तो यहाँ पे 15 × 350 हम करेंगे 4250, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 4250 का मिल रहा है, लेकिन उसके सामने आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको यहाँ पे 300 शेयर इन्फोसिस के बाय करने हैं, प्लस यहाँ पे फ्यूचर का एक लॉट बाय करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 4.5 लाख आपका कैश मार्केट में ब्लॉक होगा, प्लस फ्यूचर में जो ब्लॉक होगा वो लगभग लगभग 1 लाख ब्लॉक होगा, ठीक है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा 5.5 लाख, और 5.5 लाख के सामने आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ओनली 4250 का मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने इन्फोसिस के जो शेयर बाय किए उसको आप प्लेज करके उसका मार्जिन यूज़ करते और आप वीकली इंट्राडे में सेफ पोजीशन सेल करके 1 रुपीज़ का प्रीमियम भी कमाते तो भी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0.5% से लेके 1% तक का मिल सकता है, तो 2% आपको वहाँ से मिल सकता है, तो 2% प्लस 1% यहाँ से, तो आपको 3% का प्रॉफिट मिलेगा विद इन 3 मंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है और कोई लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से इन्फोसिस में बायबैक के लिए पार्टिसिपेट करना मेरे नज़रिए से सेफ साइड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं कैश मार्केट में तो यहाँ पे इन्फोसिस के शेयर बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे बायबैक के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बना के चलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है। आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो डिटेल कैलकुलेशन वाला वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।